डिमांड पे बोलना चाहता हूँ पांच नंबर पे, किसी ने लिख के नहीं दिया है। एक तो लिख के भेजा था जी, नहीं ले गया, मेरे पास नहीं आया आपके। कोई बात नहीं जी, आगे समझ लो आप तो मालिक हो। एक तो डिमांड नंबर पांच पे बोलना चाहता हूँ जी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। शॉर्ट में बोल दो जो बहुत शॉर्ट से, शॉर्ट से भी शॉर्ट, शॉर्ट में बोल दो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट डिमांड नंबर पांच पे। जस्टिस जब होगा जी, जब सही मायनों में नारनौंद एक सब डिवीजन है, इसमें कोर्ट होगी। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से जिसे आग्रह करता हूं, कई बार करता रहा हूं, एक जुडिशियल कोर्ट जरूर होनी चाहिए। एक दूसरा ये जी मेरा, चौदह नंबर पे हेल्थ के बारे में है। हमारे यहां जी 73 वैकेंसीज है हॉस्पिटल, पीएचसी और सीएचसी और सिविल हॉस्पिटल में। हमारे सिविल हॉस्पिटल में कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, सिर्फ 12 है 48 में से, और उसमें भी कोई मशीन भी नहीं है उसकी, एक्सरे की ना कोई रेडियो ये उसको चलाने वाला ना मशीन, वो पहले वाली ठप होगी। तो हॉस्पिटल की तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर इतने बेकार घूम रहे हैं। मैं खट्टर साहब से, हेल्थ मिनिस्टर से, खट्टर साहब के मालिक है वैसे तो, वो तो बेचारा काम चलाऊ है। तो मेरा कहने सॉरी है जी, सॉरी सॉरी, ऐसा मैं ये चाहता हूं कि विशेष ध्यान दें खट्टर साहब, हमारे हेल्थ डॉक्टर्स की जो है बड़ी भारी कमी। डॉक्टर बहुत बेकार घूम रहे हैं, बेहिसाब, उनको नो रोजगार मिल जाएगा और लोगों को पूरा चिकित्सा मिल जाएगी। फिर है 17 जी, ये पब्लिक वर्क्स का है जी। ईमानदारी से कहता हूं जी, आप विजिट कर लो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, सारी टोटल सड़कें खत्म है। नारनौंद में घुसते तो ऐसा लगेगा जैसे ये शायद हरियाणा का हिस्सा ही ना हो, इतना बुरा हाल है। पहले भी बता चुका हूँ जी, एक सेकंड जी बस खत्म करता हूँ जी। ये 20 नंबर है जी मेरा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, अर्बन एस्टेट, और जी ये पंचायत है लोकल बॉडीज का जी। लोकल बॉडीज का जी मेरे यहाँ नारनौंद सिर्फ एक म्यूनिसिपल कमेटी है जी, उसकी हालत इतनी खतरनाक है कि 5 करोड़ का बजट जो दिया था मुख्यमंत्री जी ने, आज तक आधा भी काम उसमें नहीं होया जो हमने नारनौंद में दिया था। और दूसरी बात है जी, पंचायत सारा कमीशन का ठिकाना ही नहीं, इतना खतरनाक कमीशन है, काम नहीं करता कोई भी, कभी जेई नहीं, कभी एमई नहीं, कभी सेक्रेटरी नहीं, सेक्रेटरी को भी डबल चार्ज, जेई को भी डबल चार्ज, एमई को भी, एमई तो अब आया, वो कहता जी 5-7 दिन में मैं चला जाऊंगा, पहले वो भी नहीं था। और पंचायतों की पोजीशन ये है जी, पंचायत का बिल्कुल बेड़ा गर्क है। मंत्री अच्छे हैं, मंत्री खराब कोई नहीं कहता मैं इसने, लेकिन मैं ये कहता हूं जी, आप देखिए हमारे यहाँ इन पंचायत विभाग के एक्सियन के मार्फत जितना पैसा लग गया, परशुराम सेवा समिति है उसमें करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाने लग रहे मेरे गांव में, क्यों, क्योंकि म्यूनिसिपल एरिया से बाहर है इसलिए पंचायत उसकी देखरेख में वो बनता है, पंचायत डिपार्टमेंट की में। ई टेंडरिंग के मार्फत 7 लाख रुपए एमपी लैंड के आए, 7 लाख में से 2,80,000 रुपए दे के, और कहने लगा भाई मैं तो जेई का कमीशन दे दिया, एमई का दे दिया, जेई का, एसडीओ का और एक्सियन का, और कुछ वो क्या थी, वह क्या होती है या आजकल चल जाए टैक्स, एसटीपी है, जीएसटी, कुछ जीएसटी दे दी भाई, कुछ ना कुछ मेरे लिए भी दाना पानी चाहिए। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, किसी भी तो ये धर्मशाला है पर इनको ई टेंडरिंग ना दो जी, सारा वही खा जाते हैं, ये आप संस्थाओं को सीधा दो, मेरा ये आग्रह है। चलिए धन्यवाद, और धन्यवाद, हो गया जी, हो गया। अब हो गया, नहीं हो गया, प्लीज 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 प्लीज, बहुत समय बहुत हो गया। माननीय सदस्यगण।